सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ आर रेनबो पॉडकास्ट. एंड यार टुडे वी हैव अ रियली स्पेशल गेस्ट विद अस. वी हैव सौमरथ दत्ता फ्रॉम बिट्स गोवा. ही इज करंटली इन हिज थर्ड ईयर परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स गोवा. सो वेलकम सौमरथ. एंड यार बहुत मजा आएगा तुमसे बात करके. इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर. थैंक यू अंबुज, मतलब बहुत ही प्लेजर है कि आप तेरे चैनल में आ रहा हूँ. सो थैंक्स अ लॉट. माय प्लेजर यार. अच्छा यार सौम्रत, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जस्ट 2 to 3 lines टू आवर ऑडियंस. सो राइट नाउ बेसिकली आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स गोवा. एंड उसके अलावा यूट्यूबिंग थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ. एंड अदर देन दैट आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग इन वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन. एंड बेसिकली दैट्स द मेन पार्ट. दैट्स ग्रेट यार, दैट्स रियली वंडरफुल. So, Somrat, let's start from the very beginning. Like, the student जो बिट्स पिलानी आने से पहले था Somrat, वो कैसा student था, वो कैसे दुनिया को देखता था? So, like, how was you in 11th and 12th standard? Yeah, I mean, ये सवाल काफी emotional है basically, क्योंकि before coming to BITS, मेरा outlook towards the, you know, towards everything was very, very much different. Because I happened to come from a very, you know, like a small town, ठीक है? तो माय आउटलुक वाज काइंड ऑफ यार पढ़ाई करना होता है. द नॉर्मल थिंग कि लाइक सब लोग पढ़ाई करते हैं, देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एंट्रेंस. एंट्रेंस देना पड़ता है एंड देन यू गो टू अ कॉलेज प्रिपेयर फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब. दैट्स इट. मेरा उतना ही लिमिटेड आउटलुक था. बट आफ्टर कमिंग टू कॉलेज मुझे पता चला कि इतना कुछ होता है. फ्रीलांसिंग होता है, नेटवर्किंग नाम का चीज होता है, सोशल लाइफ भी होती है. And like that, a lot of things actually changed. Even my, you know, like my original plan, which is क्या करना है college में, that will also change a little bit. So. राइट राइट. और यार मैंने तुम्हारे चैनल्स पे भी काफी वीडियो देखी हैं वेयर यू हैव डिस्कस दैट हाउ यू जस्ट विगरसली स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर, गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस एंड सेकंड ईयर से तुम्हारी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई. सो थोड़ा इसमें इसके बारे में बताओ दैट व्हेन यू एंटर्ड फर्स्ट ईयर, तो एक तरफ यू मस्ट हैव सीन दैट ऑल द पीपल आर एंजॉयिंग and on the other hand you were in a situation jahan tumhe ek bahut acha cgpa lana hai, you might have to sacrifice also on a lot of things. So tumne kaise balance kara dono cheezon ko? Yes, that's right. So dekho basically kyunki main dual degree wala student hu, theek hai, ha the first thing is I was a dual degree student. So my dad already said ki you have to get a computer science like as a dual, theek hai, to uska pressure tha thoda bahut. Second thing, I came to college and my dad basically said ki you have to study having scholarship, theek hai, bina scholarship mein problem ho jayega, theek hai. So before even coming to college I had to convince my dad ki yes main scholarship mein pura college continue karunga and you don't have to worry about the financial part, right? So wo dono cheez ka pressure thoda bahut rehta hi hai first year mein, theek hai. Exactly. So yeah, to first year mein maine bahut zyada balance nahi kiya, to be honest, theek hai. First year mein I focused more on academics, theek hai. तो हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज आई न्यू यार लाइक वंस आई गेट दिस डिग्री राइट एंड देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ एम्पल टाइम. लाइक सेकंड ईयर डबल डिग्री वाला का बहुत थोड़ा चिल रहता है राइट. दैट कैन बी टाइम जहाँ पे मैं क्लब डिपार्टमेंट बाकी चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ, यू नो. बट ऑब्वियसली मैं फर्स्ट ईयर में भी था क्लब डिपार्टमेंट में, बहुत ज्यादा भी नहीं था बट 2-3 में था. सो ऐसे ही मतलब मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करता था. लाइक मेरे पास एक अच्छा सा टाइम टेबल था कि हाँ कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, पढ़ना है एंड देन यू नो लाइक रिवीजन एंड स्टफ. थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई किया तो वो हो गया. So can we say that 11th and 12th से ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम तुम्हारा बिट्स गोवा का फर्स्ट ईयर था? Like academic wise if we say productive, या एज इन आउटकम वाइज तो था. लाइक ऑब्वियसली लाइक पहले मैं जब 11th 12th में देखो, टू बी ऑनेस्ट 11th 12th में मैंने जेई की पढ़ाई कंट्रोल नहीं की, ठीक है, बिकॉज लाइक आई प्रिपेयर्ड ऑल फॉर बोर्ड्स एंड देयर फिर मुझे पता चला कि ओ शिट आई हैव टू आल्सो गेट इट फॉर कॉलेज राइट. तो मैंने ड्रॉप किया था. तो ड्रॉप लेके मैं कोटा गया था. तो वहां पे लाइक इट्स अ लॉट टू टेक अप. तो राइट, सो आई ट्राइड अ लॉट कि यू नो लाइक कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की जा सके. बट आई वुड ऑलवेज लाइक फॉल behind the class because the people were like having already like 11-12 में लोगों ने करा था coaching. So मेरे लिए बहुत difficult था. So it was a lot of hard work. थोड़ा yeah, but to be honest, college आने के बाद because I happened to meet these people like seniors, अच्छे-अच्छे seniors
they told me ki efficiently time manage kaise hota hai, efficiently padhai kaise hoti hai. So wo aspect mujhe obviously JEE ke time pata nahi. So yeah, college ke first time mein zyada productive tha. Okay, so what you're saying is that एक mentorship ने बहुत major role play करा in guiding you throughout your first year journey. Kind of. All right. Kind of. And जब तुम कोटा आए थे तुम कहाँ रहते थे कौन से coaching में थे? Because currently I'm in Kota only. Like I'm based out of Kota. Wow. Nice, nice. तो मैं एक इस विज्ञानगर में था. Okay, okay. अब तो colony का नाम मुझे याद नहीं है मतलब exactly location याद नहीं है and मैं resonance में पढ़ता था. फर्स्ट ईयर में तुमने अच्छी मेहनत करके फिर कंप्यूटर साइंस अचीव कर ली. सो व्हाट वाज देयर इन योर सेकंड ईयर दैट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट यूट्यूब एंड टू स्टार्ट योर फ्रीलांस जर्नी इन वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन? And if I'm not wrong, your second year mein hua tha na? In first year, you were not doing freelance. Right, yeah. Okay. Not at all. So, dekho, basically, a lot of people who come to the college are like already having a lot of skills, right? Like, unko pehle se, maan lo, editing aata hai, Photoshop aata hai, right? But I came to the college with nothing, theek hai? Mujhe kuch nahi aata hai. So, I just know how to study, theek hai? तो सेकेंड या दैट वाज इन द सेकेंड ईयर मैंने जब एक्चुअली ये फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया. बट उसमें साइकोलॉजिकली भी ऐसा था कि या लाइक दिस इज द टाइम व्हेन आई नीड टू कन्विंस मायसेल्फ कि देखो अभी सीजीपीए माइट ड्रॉप अ लिटिल बिट बट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स इन लाइफ जो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉट जस्ट अकैड्स राइट. तो मैंने वो थोड़ा खुद को कन्विंस किया कि सीजीपीए भी थोड़ा लाइट लेते लेट्स जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स. तो कुछ लेवल है और यू शुड जस्ट स्टार्ट एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग अपॉन विद टाइम. देखो देयर इज दिस लेवल आई मीन एक पॉइंट तो है लाइक एक पॉइंट जहां पे यू नो हाउ टू डू थिंग्स ठीक है राइट एंड एक पॉइंट है वेयर यू स्टार्ट अर्निंग राइट. मतलब ये जो गैप है ये गैप बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. लाइक फॉर मी इट टुक अराउंड 6 to 8 months टू गेट माय फर्स्ट लाइक ठीक है ओके. बट फॉर समवन हु इज लाइक रियली डेडिकेटेड देखो ऑनेस्टली मैं इतना डेडिकेटेड नहीं ठीक है. आई वाज लाइक ठीक है मुझे ये चीज एक्सप्लोर करना है ऐसा नहीं कि ये मुझे चीज चाहिए ही एंड इस पर मैं मेरा करियर करने वाला हूँ राइट. तो आई वॉज नॉट वेरी मच एक्टिवली looking for projects ठीक है. तो मैं करता गया and suddenly people started to see my work कि हाँ ये चीज़ तुम करते हो and start recommending. but हाँ वो एक level है जहाँ पे you actually start earning and that level can be long like can be like 3 months can be like 2 weeks or like एक साल भी हो सकता है. alright बहुत patience से actually. yeah definitely अब बहुत 6 to 7 months you are not earning you are just grinding upon your work you are putting efforts bahut efforts hai ye. acha somrat ek ye bhi maine suna hai that first client milna bahut zyada mushkil rehta hai uske baad relatively thoda easier ho jata hai freelancing mein. so is pe aap thoda explain karo like aap apna personal experience batao ki first client aapko kaise mila and uske baad aisa kya hota hai ki relatively easier ho jata hai cheez. so main batata hu exactly what happened like I was doing a lot of designing and editing work for club and college कॉलेज का ठीक है. एंड ऐसे करके आई मतलब मेरे लोग द पीपल ऑफ माय कैंपस न्यू मी कि मैं सब काम करता हूं ठीक है. एंड देन देयर वाज सर्टेन पोस्टिंग इन सम फेसबुक ग्रुप कि आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ नरेटर फॉर माय अर्ली स्टेज स्टार्टअप एंड समवन टैग्ड मी देयर ठीक है. तो बेसिकली दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट ऑन फेसबुक. बट ये की बात होगी बहुत ज्यादा राइट. सो आई ऑल्सो डिड सम वर्क ऑन अपवर्क. तो उसमें एक्चुअली बहुत टाइम लगा क्लाइंट के लिए मतलब जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है राइट दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारे क्रेडिट्स मेरे को देने पड़े. आई केप्ट अप्लाइंग बट नहीं मिला. तो व्हाट आई डिड वाज लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब मतलब एक काम जो उतना पैसे से मतलब ऐसा नहीं था. बट आई वाज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब जो सच दैट जिसमें मेरा फायदा है मतलब क्लाइंट विल पिक अप मी ऑन. जैसे आई डिड एन एडिटिंग वीडियो एडिटिंग फॉर अ सिंगापुर क्लाइंट ठीक है.
ओके इन दैट वन दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट ऑन ऑफर ठीक है इन दैट वन शी वांटेड टू एडिट अ वीडियो व्हिच वाज अ वेडिंग डन इन जयपुर ठीक है सो देयर आई हैड माय फर्स्ट यूएसपी की यस आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई रियली अंडरस्टैंड ऑल द ट्रेडिशन एंड स्टफ तो ऐसे वक्त में मेरे को लेवरेज मिला कि हाँ अदर्स आर ऑल्सो अप्लाइंग बट ये मेरा स्पेशल पॉइंट है सो दैट्स हाउ आई गॉट माय पर्सपेक्टिव एंड सौम्रत अभी जैसा आपको आई गेस मोर देन वन ईयर हो चुका है फ्रीलांसिंग में राइट सो अभी अगर आपको पास्ट आपके पास्ट सेल्फ को कुछ एडवाइस देनी हो रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग उस सौम्रत को जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग करना सो व्हाट वुड दैट एडवाइस बी यस द फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू नॉट बी लेजी मेकिंग योर पोर्टफोलियो वेल ठीक है ओके तो मैं बहुत आलस था कि रेज्यूमे नहीं बनाया ऐसे ही Google Drive में भेज रहा हूँ लिंक्स राइट बट देन आई स्टार्टेड टू यू नो पुट थिंग्स वेल ऑन अ पीडीएफ ऐसे ऐसे करके तो मतलब एटलीस्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इन अ सिंगल लाइन लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट अ पोर्टफोलियो या सो पोर्टफोलियो इज बेसिकली वेयर यू शो द क्लाइंट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन लाइक यू कैन शो कि आप लाइक यू आपका स्किल सेट किन किन सॉफ्टवेयर में है आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप किया सो सो इट्स मोर लाइक अ सीवी फॉर द प्रोजेक्ट्स गॉट इट ओके सो यू मीन पोर्टफोलियो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यस काइंड ऑफ लाइक एवरीवन लाइक ऑलमोस्ट एनीवन हु इज गोना हायर यू फॉर अ प्रोजेक्ट विल आस्क फॉर योर पोर्टफोलियो एंड योर बिगेस्ट क्लाइंट्स आल्सो सो ऑलवेज हैविंग द फर्स्ट क्लाइंट इज रियली इंपॉर्टेंट ओके एंड सौम्रत मैंने ऐसा भी सुना है बहुत बार ऐसा होता है फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स आपसे बहुत बार चेंजेस कराते हैं फॉर एग्जांपल दे टोल्ड यू टू डू समथिंग आपने कुछ करके दिया उन्होंने बोला यार ये चीज और चेंज कर दो यू डिड दैट उन्होंने बोला यार ये चीज और कर दो सो काफी लोग उस पर भी लिमिट पुट कर देते हैं दैट वी वोंट बी चेंजिंग आफ्टर टू टाइम्स और आफ्टर थ्री टाइम्स सो व्हाट्स योर टेक इन इट एंड व्हाट डू यू डू पर्सनली revision cycle ठीक है क्योंकि getting the first client was really important for me मुझे वो client की भी चाहिए था not just for the sake of the money and the iterations but अभी भी मैं project करता हूँ तो there is certain कि इतने ही revisions में करूँगा and this will be my minimum budget उससे कम दोगे तो मैं नहीं करूँगा project because right. it's not worth my effort so right. अभी तो ऐसे ही करता हूँ and how much is the minimum that you charge at this point of time each in graphic design as well as video editing राइट राइट सो अभी वीडियो एडिटिंग में वैरी करता है लाइक इफ इट इज नॉट वेरी क्या बताया लाइक वीएफएक्स सेंट्रिक बहुत ज्यादा ग्राफिक्स नहीं है उसमें एंड इट इज जस्ट नॉर्मल एडिटिंग तो आई चार्ज अराउंड 3500 टू 4000 पर वीडियो फॉर लाइक एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स मैक्स इससे ज्यादा नहीं तो दैट इज माई चार्ज राइट नाउ एंड फॉर लाइक For graphic design, I charge around like मैंने एक man के लिए poster बनाया था, which was for a social media poster. So I charge 2000 for that. So that will be kind of my rate for one poster. These are in rupees or US dollars? Okay. Dollars नहीं. Yeah. Okay. That's great, Somrat. एंड हम थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पे बात करें सो आपने ये लर्न कैसे करी स्किल्स कि ग्राफिक डिजाइन है सो अगर किसी को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है सीखना या वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना है सो डिड यू गो टू एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक स्किल शेयर वगैरह है और यू जस्ट गो टू वेंट टू यूट्यूब एटसेट्रा एंड यू सर्च देयर नहीं लाइक ये थोड़ा आई मीन दिस थिंग ये जो सीखने वाला चीज है ना ये थोड़ा रैंडम हो गया मेरे साथ लाइक आई वाज ट्राइंग यू नो कि स्किल शेयर में फ्री ट्रायल कैसे ले ठीक है जो कि बहुत लेंदी है बट इट्स रियली वर्थ इट तो मैंने स्किल शेयर से वो सीखा स्किल शेयर से फोटो एडिटिंग स्किल शेयर से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा है एंड वीडियो एडिटिंग बेसिकली आई टू एज अ क्वार्क समर टाइम प्रोग्राम मतलब अपने कॉलेज में ऐसे द सीनियर टीचर्स तो वहां पर मैंने बेसिक सीखा था एंड देन आफ्टर आई मूव टू स्किल शेयर फॉर डेडिकेटेड कोर्सेज तो ऐसे ही मैंने सीखा बेसिक्स एटलीस्ट ओके ओके सो ये हमने अब बात कर ली फ्रीलांसिंग की
उसके बाद YouTube कैसे स्टार्ट हुआ एंड व्हेन डिड यू गेट द थॉट कि यार अब YouTube पे वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए? ओके सो दिस इज वेरी रैंडम लाइक आई वाज मैं तो ऐसे ही कर रहा था YouTube में, चलो देखते हैं क्या होता है, ऐसे वीडियो डाल रहा था. आई वाज नेवर एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस थिंग, ठीक है, अभी तो सीरियस हूं बट आई वाज नेवर एक्चुअली सीरियस. बट दिस थिंग हैपेंड व्हेन मैं गया था मैराथन में, ठीक है, अपने स्पी का मैराथन हुआ था एंड देर एक्चुअली मैं हरीश, ठीक है, ऑब्वियसली अब सबको पता ही है, तो क्यूरियस हरीश में मिला एंड तब थोड़ा बात बात किया एंड ही सेड ओ यू आर आल्सो हैविंग एन यूट्यूब चैनल सो यू आर आल्सो एन यूट्यूबर. तो मैंने तो थोड़ा सोचा कि अच्छा मैं तो ऐसे ही अपलोड कर रहा था बट मैं इसको तो सीरियसली में सोचा नहीं है. तो दैट एट दैट पॉइंट इट केम टू मी कि यार इसको थोड़ा सीरियसली ट्राई कर सकते. So it was like, I guess, in my first year, no, second year. Yeah. Second year se serious hua tha. But first video was long back, like 2012. Tab kuch bhi maine upload kiya tha. Okay, okay. Yeah. So, phir kuch aise dimag mein tha that I have to select one niche and I have to put only videos upon that. Ya phir kuch random cheeze hai, jaise bitside bhi ho gaya, kabhi kabhi freelancing ho gaya. Like, how would you describe your YouTube channel? This is a very hard thing. This is a very hard thing to decide on actually, right? You know, like initially, because when you are starting out, agar tum bahut niche down karoge, to no one's gonna see it. Aur tum bahut general kar doge, then also bahut zyada traffic aa sakta hai. But isme tum kitne banaoge videos? So, mera bhi thoda hit and try tha. First, I tried tips, tricks and hacks videos. You know, like PC ke saath kaise kaise mod karte hain, softwares ke saath. So I tried that, but Harish told me that this videos are not scalable. Like you can make up to like 10-20 videos, but इसके बाद ये scale नहीं कर सकते. मुझे थोड़ा लगा दिल में कि यार मैं मेहनत कर रहा कुछ नहीं हो रहा. But at that time channel बहुत ज़्यादा grow कर रहा था, ठीक है. But फिर मुझे पता चला कि he is actually quite correct. मतलब इस टाइप के videos बनाते you can't actually scale a lot. So what videos were you making at that time which were not scalable according to Harish? Videos जिसमें you know tips tricks hacks regarding you know some software some okay got torrent type के videos right okay समझ रहे हैं ना. yeah तो वो सब में monetization नहीं था तो मैंने उस बात को सोचा and then I had to change my niche to the freelancing thing I changed and also मतलब मैं editing का भी कर रहा हूँ videos. I'm shooting videos for this you know like unboxing technical video बनाकर अभी क्योंकि मैं bits से हूँ तो bits के related थोड़ा content ज़्यादा डाल रहा हूँ. so that is it and I'm also trying at this moment कि थोड़ा explore करूँ but मैंने जब change किया niche ना तो channel got hurt a lot. ये तो था definitely like एक अच्छा niche बनने के बाद अगर तुम content को change करोगे totally मतलब hit तो होगा ये तो definitely. So it happened. Okay. And Somnath, while all this was going on, like what was the reaction of your parents to this when you started freelancing, when some income starts flowing in, then you started YouTube? So parents ka kya reaction tha? Yeah, for the YouTube thing, parents ne aisa bola ki theek hai, ye sab theek hai, but make sure your accounts are not that zyada affected now. And coming to freelancing, मैंने उनको बहुत बाद में बताया कि मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई. एंड व्हेन आई एक्चुअली परचेस्ड सम गिफ्ट फॉर माय मॉम यूजिंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज रियली हैप्पी. तो बर्थडे पे दिया था मैंने मम्मी को, तो दैट टाइम शी सेड किया यू आर डूइंग अ गुड थिंग एंड धीरे धीरे शी इज ऑल्सो लाइक टेलिंग मी अभी यार अभी कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है, सो अभी प्रोजेक्ट कैसे चल रहे तेरे, सो शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हाँ ये सब भी थोड़ा करूँ. पूछा जाता है कि हाउ मच मनी यू मेक इन वन मंथ, सो वुड यू बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दैट सोमरा? हाँ थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ बट इट इज वेरी लाइक फ्लक्चुएटिंग, दैट्स द इशू. लाइक पर मंथ लाइक एक दो महीने पहले जब मैं प्रॉपरली इसको टाइम दे रहा था बिकॉज अभी तो एग्जाम्स है सो आई एम नॉट एक्टिवली डूइंग टू मेनी प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी,
but at that time I did like 3-4 projects and my monthly income was around 15,000 to 20,000. Okay. And certain projects are not monthly, right? Certain projects are contract based, ki, you know, like you have to work for 4 to 6 months. Yeah. So, uske hisab se wo to change hoga. Yeah. Okay. So, अच्छा सोमनाथ, अगर किसी को बिल्कुल zero level से freelancing start करनी है, so what would you recommend? Like direct Upwork, Freelance, Fiverr जैसे platforms पे जाना चाहिए, और जैसे तुम्हें Facebook के through मिला था, so we should try on different social media platforms. The first people who are gonna trust you आपके बात सुनेंगे जो लोग will be your nearby people, ठीक है? Right. Like you can ask your family members, you can ask your relatives कि देखो मैं ये अभी कर रहा हूँ, so if you have any projects आप मुझे दे सकते, ठीक है? Right. That will be the easiest first, ठीक है? And then actually what you can do is जब तुम्हारे आसपास के नेटवर्क से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, then you can ask them to hire you on the Upwork and Fiverr platform. Oh, okay. That can be also a little hack जिससे आप first client ला सकते हो. That can be one. क्या ये काफी interesting चीज़ है. Then you can start scaling. Yeah, I know. Okay, okay. And like ऐसा कुछ algorithms भी होता है कि इन platforms का like freelance etc कि आपके इतने clients होंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा push मिलेगा ऊपर? I mean not exactly. I mean उसमें ऐसा होता है कि कोई freelancer verified होता है, किसी का दिखता है कि हाँ इसके last year में 500,000 earnings हुए हैं, तो वो badge दिखता है ना whenever someone is trying to fly find someone चैलेंजिंग कौन सा रहता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांस, तो व्हाट वुड योर आंसर बी? एज इन चैलेंजिंग, देखो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग तो बहुत बड़ा चीज हो गया, राइट? ग्राफिक डिजाइनिंग में इफ यू आर ट्राइंग टू डू लोगो डिजाइन एंड स्टफ, इंडिया में लोग उतना वैल्यू नहीं करते सबको, बट बाहर में इनका वैल्यू बहुत ज्यादा है. Absolutely. But इसमें revisions बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, you know, logo and stuff, you know, just identity हो गया, identity design, brand design, ये सब में होता है. And coming to UI, UX design, which is also part of graphic design, वो थोड़ा development side चीजें होती हैं, ठीक है? And वो difficult बहुत ज़्यादा नहीं है, but I mean revisions बहुत time तक चल सकता है project, तो ये भी है. Okay. And coming to video editing, अब video editing के लिए I mean, what you need is a good laptop or a good CPU. तो वो एक constraint बन जाता है पहला, ठीक है? Right, right. Basic तो हो जाता है, but the client wants to put a lot of effects, lot of visuals, तो वो हो जाता है issue. तो उसमें थोड़ा tough हो सकता है. I mean, as in तो दोनों ही easy है वैसे तो. Right, right. But we can say that graphic designing वाला आपके थोड़ा long term ज़्यादा चल सकता है in comparison to video editing, जिसमें आपको थोड़ा सा अपने equipment height side पे ज़्यादा invest करना पड़ेगा starting में, अगर बड़े effects वगैरह वाला करना है. Okay, okay. And Sonal, designing side में revisions बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. Okay. Video editing side में as per my experience बहुत ज़्यादा नहीं हुआ revisions, ज़्यादा like मैंने ये edit करके बताया, so he just said to change the name of the things in the trailer part. So ऐसा हुआ है, but in designing में बहुत सारे हुए ऐसे, like ये change करो, वो change करो. And Somnath, मेरा एक personal question भी था, जैसे अगर हम designing को ही देख लें या फिर video editing को देख लें, so Skillshare हो गया या फिर Skillshare या बाकी platforms हैं, तो हम लोग tools तो सीख सकते हैं कि Adobe Premiere Pro कैसे use करना है या फिर Photoshop कैसे use करना है, but वो design skill जो है, जो editing skill जो है, वो कैसे develop करते हैं? Like how did you do that? This is a very interesting question. I mean, I didn't expect this question. Okay. मुझे मतलब ये चीज तो मैं भी बोलता हूँ, लाइक यू नो नोइंग द टूल्स इज नॉट सेम एज नोइंग द स्किल, ये तो डेफिनेटली बात है. क्योंकि देखो बहुत लोगों को इवन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस जिनके साथ मैं काम करता हूँ, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली नो हाउ टू यूज फोटोशॉप, हाउ टू यूज दिस थिंग्स टूल्स, बट उनका जो सेंस ऑफ डिजाइन है ना वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ये तो इशू है ही, एंड दिस इज अ लॉट बिकॉज लोग थ्योरी पे बहुत कम फोकस करते हैं, स्पेशली डिजाइनिंग का थ्योरी ऑलमोस्ट कोई नहीं रहता. पीपल जस्ट सर्च हाउ टू लर्न फोटोशॉप, नो वन इज सर्चिंग हाउ टू लर्न ग्राफिक डिजाइन, ठीक है? ये तो फर्स्ट इश्यू है. थ्योरी बहुत बिग पार्ट, ठीक है? टाइपोग्राफी हो गया, इसमें बहुत सारे चीजें होती है, जैसे हायरार्की हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और फिर उनको लगता है यार डिजाइन तो कर लिया, सब कुछ तो डाल दिया, बट स्टिल कुछ अच्छा नहीं लग रहा.
तो आई वुड से दैट थ्योरी पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी होता ही है. एंड थ्योरी अगर किसी को सीखनी है तो कहां से सीख सकते हैं हम थ्योरी? सेम प्लेटफॉर्म स्किलशेयर. ओके ओके. थ्योरी के बहुत सारे क्लासेस हैं. All right. So basically, you are saying that people generally theory ko as boring samajh ke usko chhod dete hain, and they directly jump upon. Yeah, exactly. Okay. Yeah, exactly. Got it. यार ये तो यार काफी अच्छा पॉइंट था जो मैंने इनफैक्ट खुद ने भी देखा है कि मेरे साथ कई बार बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं क्लब्स वगैरह में. सो उनको टूल्स का यूज करना आता है, बट कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज करने हैं उन सब का उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता. सो दिस वॉज अ ग्रेट पॉइंट. वो साइकोलॉजी बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है कि लोग कलर्स को कैसे परसीव करते हैं, किसके साथ किस कलर के साथ कौन सा मूड जाता है, तो वो सब तो टाइम. एंड व्हेन यू हैव दैट नॉलेज, जब तुम थ्योरी पे फोकस कर रहे हो तभी आएगा वो. तो राइट. एंड सोमनाथ, वुड यू आल्सो रिकमेंड पीपल टू स्टार्ट सर्फिंग ऑन पिंटरेस्ट एंड बिहेंस सच प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां पे आपको और ज्यादा डिजाइन वगैरह का एक्सपोजर मिलेगा? डेफिनेटली. I mean, even for mood boarding and stuff, I still do Pinterest, still in Behance, Dribbble, बहुत सारे platforms, right? Definitely. Okay. So that's great, yeah, Somrat. बहुत मजा आया तुमसे बात करके. If you have any message, any like ending message type for my audience who is currently in 11th and 12th, they are struggling aspirants for BITSAT, JE. So कुछ बोलना चाहो आखिरी में एक दो line. Right. So देखो एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि सब चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है. अभी राइट नाउ अभी तुम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स फाइन. बट वंस यू गेट टू कॉलेज, डोंट जस्ट थिंक कि हाँ पढ़ाई करना है, जस्ट यही करना है, जॉब लेना है. एवरीथिंग इज फाइन. एकेडमिक्स को सही से रखो, बट ऑब्वियसली कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क. ठीक है, तो मैं तो वही बोलूंगा, थोड़ा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कॉलेज में जाकर सर्टेन थिंग्स. नॉट जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, लाइक इवन being with people, networking events, you know, social life and other stuff. That's it. Club departments. Right. And Somnath, one question mera reh gaya tha. Who is your inspiration in this field? Like, do you have any inspiration in freelancing? The any person who you look up to? Chris Doe. Okay. Yes. And unke baare mein aapko pata kaise chala? Like, he's a designer. YouTube say, yeah, he's a very big designer, and the best part about him is he is on a different level. Matlab, he's on a different zone of thinking. Okay. Matlab, he's trying to solve problems. He's just not trying to do designs. All right. Okay, so thanks a lot, Somrat, for giving your time. It was great talking to you, and yeah, bahut maza aaya is collab mein. I hope, I wish the same from your side as well. Yeah, bahut maza aaya yaar, mujh first time baat karke. तो चलिए यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सबसे पहले तो सोमरथ का चैनल मैंने टाइटल में लिंक कर रखा है, टैग कर रखा है, तो सबसे पहले तो आप वहां जाइए, सब्सक्राइब करिए. काफी प्रोडक्टिव कंटेंट है, नॉट जस्ट इन फ्रीलांसिंग बट आल्सो अगर आप बिटसैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. काफी डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज भी हैं, सोमरथ ने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करा है. तो सबसे पहले सोमरथ का चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड वापस आओ यार फिर इसी वीडियो पे, इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में सुनामी लिया इस वीडियो को शेयर करते करते. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन दिस चैनल, दैट इज सक्सेस इन्फिनिटी. सो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड. जय हिंद, वंदे मातरम.